घटना हो रहा है बच्चा। हम सर स्कूल रोज ही जाते थे, रोज डेली, और ये स्कूल में बाहर रहते थे और ये हमें गंदे गंदे इशारे क्या करते थे और हम अपने भाई से ही बताया करते थे और घर में किसी से नहीं बताते थे। जब उस दिन हम पेपर देने के लिए जा रहे थे 3 तारीख को, तब ये हमारे पीछे बाइक लगाए थे और उल्टी सीधी गाड़ियां दे रहे थे। तब हमने भाई से बताया तो हमारे भाई बोले कि हम आपको देख लेंगे। फिर उसके बाद में जब स्कूल में गए थे तब वहां पर भी गंदे गंदे इशारे किया था इन्होंने। अच्छा, फिर उसके बाद में फिर स्कूल से आए थे पेपर देके तो भाई से बताए थे, तब ये घर, फिर उसके बाद में घर आ गए थे, भाई कुछ नहीं बोले। फिर उसके बाद में ये 4 तारीख को घर आए थे, वार्निंग देने की हम तुम्हें, हमारे बाप दरोगा है और तुम्हें जेल में, तुम्हारे बाप को और तुम्हें हम सड़ा देंगे। कब आए थे, रात में दिन में? रात में आए थे करीब 8 बजे। अच्छा, रात में 8 बजे आए थे, अकेले या कोई और साथ में? 3 लोग थे। अच्छा, तो फिर क्या, घर आए तो फिर क्या बोले वो? धमकी देने लगे कि बेटा अगर अगर कंप्लेन की थाने में जाकर के तुम्हें, तुम्हारे बाप को तुम्हें जिंदगी भर सड़ा देंगे जेल में। अच्छा, तो फिर गांव वालों ने, गांव वालों, फिर भाई ने आवाज लगाई थी तो गांव वालों ने मारा था। अच्छा ठीक, क्या नाम है आपका? कुसुमा भारती। उस दिन क्या घटना हुई थी? आपका नाम मतलब आपका गांव कौन सा है? नगदैयापुर। तो क्या घटना हुई थी उस दिन? क्या कर, हमारे घर में कोई थी नहीं, हमारे आदमी जो है ना वो, हमारी सास जो है बीमार थी। अच्छा। तो वह गांव पर चला गए वहां पर देखने। अच्छा। हम, हमारे लड़का यहाँ रहे थे। अच्छा। घर पर। हाँ। तो वह दो लोग वहाँ पुस्तक खड़ा रहे, वहाँ क्या कहती कुलिया जो वहाँ पर खड़ा रहे। हाँ। और वही यहाँ आए। हाँ। तो यहाँ कह रहे थे कि ने अविनाश भोसड़ी के मादर चोद ने अगर अप्लीकेशन दोगे तो ने कहा कहा हमारा बाप दरोगा है, तुमको बाप कूद कर जेल में साथ डालेंगे। कौन आया था? मैं प्रदीप, प्रदीप मास्टर जो है अमन पब्लिक के। अच्छा। हकिंगपुरा के पास स्कूल है। अच्छा, अमन पब्लिक स्कूल। हाँ, अमन पब्लिक स्कूल। अच्छा। हमारा लड़की पेपर देने, हमारा लड़का जो है ना। हाँ। पेपर दिलाने ले जाता था 5 बजे सुबह। अच्छा। तो जो गांधीनगर के बीच में पुल है, पुल वाला। हाँ, वही वजह पीछे से गाड़ी लगाए रहे। हाँ। उल्टा सीधा बोल रहे थे। तो हमारा लड़की बताए कि भाई वो पीछे से मुझे इशारा कर रहे, बोल रहे उल्टा सीधा। अच्छा। तो हमारा लड़का कहे चलो पेपर का देर हो रही, चलो ध्यान ना दियो। तो ये लोग जो है 3 थे। अच्छा। 3 थे। तो इनको मास्टर का जो है हमारा लड़का लड़की चीन्हा था। अच्छा। तो ये कहा कहा थी मैं हमारे लड़के को उल्टा सीधा बोल रहे थे। तो ये जो है गाड़ी आगे कर दी। हाँ। ये मास्टर जो है। हाँ। गाड़ी आगे कर दी, बात बकवास हो रही थी। तो कहा कहा थी मैं हमारा लड़का अकेले था। तो कहीं के ने कहा कहा थी मैं देखो भोसड़ी तुमको देख लेंगे, और मैं लड़की का मतलब तरह की इशारा कर रहे थे। तो हमारा लड़का कहे अकेले हैं यहाँ कुछ नहीं कहेंगे। फिर घरों में नहीं बताया था लड़का हमारा। फिनों की बाद में जो ये घर मार नहीं रहे थे तो कहा कहा थी हमारे यहाँ घर पर आए, हमारे घर पर ना आते तो बेवात कुछ नहीं होती, हमारे घर पर आए तो लोग जो उन्हें जो यहाँ गाली गुत्ता जोर जोर दे लागे। तो पड़ोसी जो नहाए तो भाई चुटिया उबे करिए आदमी। बजे के मामला है मतलब वही 8-8:30 बजे का मामला रात में। हाँ, अब घड़ी तो हम लोग ले नहीं थे। हाँ, मतलब रात का मामला। हाँ, रात का मामला था। ये कहें कि ने हम लड़कन का पेपर दिला 8 बजे, कौन सा पेपर है कि 8-9 बजे रात के यहाँ हमारे दरवाजे पेपर दिलाने गए थे लड़की का। अच्छा। आए लड़के के 8 बजे। आपकी लड़की उन्हीं के स्कूल में पढ़ा थे? नहीं, उनकी अगल बगल, उनकी बगल माँ स्कूल में पढ़ा था। तो जब उनके स्कूल में पढ़ते नहीं तो फिर वो पेपर दिलाने का उनका काम था? नहीं नहीं, मैं दूसरे के पेपर दिलाने कहा तो मैं लिखे यहाँ एप्लीकेशन में कि हम दूसरे के पेपर दिलाने गा रही ने पेपर दिला के लौटा रही ने। अच्छा। तो पेपर दिला के लौटा रहे तो रोड से जाने यहाँ का आने की जरूरत थी तुम्हारी। अच्छा। हाँ, वो कह रहे थे कि हमारा बाप दरोगा है, तुमका ऐसे ऐसे जेल में सार डालेंगे, हमारे लड़के कह रहे थे। तो वो नगदैयापुर करने के आए थे? तो वही तो उसे पूछो, पूछा जाए सर कि नगदैयापुर रात में आने का है, काहे का आए हैं? तो मतलब कौन यहाँ स्कूल है? यहीं आपके घर के सामने आके? हाँ हाँ, हमारे घर के, आप हमारे घर के सामने आके। हाँ। तो शोर शराबा गाड़ी गुत्ता देने लगे। तो भाई लड़का है। हाँ। जो गाड़ी गुत्ता आपकी हुआ देंगे तो फिर। हाँ। कहा थी वे कोई बर्दाश्त करेगा? तो फिर क्या हुआ उसके बाद? उसके बाद फिर गुहार लगा, फिर खदियर के तो मारी नहीं, 2-4 लबदा पड़ा है। अच्छा। जो पल्सर गाड़ी ले रहे। हाँ। और वो यहाँ से भगाए ने गाड़ी। हाँ। तो कहा कहा थी मैं देखो भागे, अब आगे गिरे का है, अब इका हमका सबका नहीं पता। अच्छा। हाँ, हमारे दरवाजे 2-4 लबदा पड़ा है। अच्छा, गांव वाले मारे? हाँ, गांव वाले मारे ने सब जुट के। कहा कहा थी खदियरी जो भाई अब जय जने यहाँ आ जने दौड़े, अब गाँव से चौधरी आवा आवा चौधरी भाग ली। अच्छा। हाँ, गुहार मची थी, गाँव वाले सब सुना था। मतलब गांव वालों ने दौड़ाया? हाँ, गांव वाले ने दौड़ाया था। हाँ। दादी का नाम है आपके? हमारी लड़की का। आप, आपके का नाम है? सरब सती। कौन गांव आए आप? नगदैयापुर। अच्छा, तो आप बता रही हो कि हम अपने लड़कन की पढ़ाई छोड़वा दें? हाँ सर, हमारे लड़के पढ़ने जा रहे हैं। हाँ। इतना गंदी हरकत बाजी उन्होंने कर रहे हैं, आगे बताए कि हम नहीं पढ़ेंगे। कई लड़के पढ़त रहे? हमारी एक लड़की पढ़त रही। अच्छा, एक बिटिया है? हाँ, बिटिया। तो कहके स्कूल में पढ़त रही? इन्हीं के। का नाम है?
अमन पब्लिक में? हाँ। अच्छा तो कहा बताई बिटिया? तो कही अम्मा हम पढ़े न जावे। हाँ। वो जो है कि उल्टा सीधा बोला थी। अच्छा। हम पढ़े नहीं जाएंगे। अच्छा। तो हम कहा कि तू पढ़े तो पढ़े के मन नहीं ना। हाँ। कही अम्मा हमारा पढ़े की इच्छा है मुलो जो है कि इतना हम स्कूल में नहीं पढ़ेंगे। अच्छा। तो हमने छुड़वा दिया उसका, मतलब वो स्कूल से पढ़ाई छुड़वा दिया। छुड़वा दी फिर कहीं नहीं भेजा। अच्छा। हाँ तो बदतमीजी कर रहे हैं। हाँ